शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कई दिनों के बाद, दुर्गा पूजा के बाद, मैं आपके समक्ष आया हूं और 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो नंबर 18 लेकर। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ हाफ एंगल्स। ये हाफ एंगल्स क्या होता है उस पर बात करने वाले हैं। हमने पहले आपको बताया, आप जानते भी होंगे, साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसी को बेस लेकर चलिए आप, ठीक है, और इसी के आधार पे पूरा आज फॉर्मूला लिख देंगे, पूरा फॉर्मूला को प्रूफ करवा देंगे और एक्सरसाइज भी बता देंगे, ठीक है। मुझे लगता है आज आरएस अग्रवाल का 15e है ना, पुरानी राइटर में 15e नहीं भी होगा या हो भी सकता है, नए राइटर्स में 15e, ठीक है, तो आरएस अग्रवाल का। अब ये जरूरी नहीं कि ये आरएस अग्रवाल का फॉर्मूला है, ये किसी भी बुक का या किसी भी राइटर का फॉर्मूला होगा, क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोले, बेस क्या लोगे, थोड़ा खिड़की बंद कर दो, बेस क्या लोगे? हाँ ठीक है, चलिए बेस क्या लेंगे, साइन 2x। क्या बेस लेंगे? साइन 2x। यहां ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पे चर्चा करेंगे। क्या आप करेंगे? फॉर्मूला पे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ हाफ एंगल। हाफ एंगल क्या होता है? तो वी नो दैट इसलिए क्योंकि इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए, क्लियर है ना, ये पिछले लेसन में पढ़े थे। अब यहां से फॉर्मूला आपका चालू कर रहे हैं हम, साइन 2a बराबर, अभी 2a को हाफ कर दीजिए, 2a को क्या कर दीजिए, हाफ, मतलब जहां 2 जहां a है वहां a बाई 2 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, जहां a है वहां क्या लिखना है, a बाई 2। हालांकि ये लिखना नहीं चाहिए लेकिन आप में कॉन्फिडेंस पूरा बना रहे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 2 से जब डिवाइड कर दिए, जहां जहां a है वहां हाफ कर दिए, क्यों, क्योंकि ये हाफ एंगल्स है। क्या है, एंगल को क्या करना है, हाफ कर दिए, हाफ एंगल कर दिए, क्या कर दिए, हाफ एंगल। तो ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन a बचेगा ना, तो साइन a बराबर क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, क्लियर है सब कोई का, हाँ यही है हाफ एंगल। तो हमको नहीं लगता है कि कुछ समझने का भी है, हाँ या नहीं, स्पष्ट है, क्या याद रखना है, साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए, सब जगह एंगल को हाफ कर देंगे तो यहाँ 2 कट जाएगा तो साइन ए बच गया, 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। उसी प्रकार दूसरा नंबर, कॉस a बराबर क्या होगा, तो कॉस 2a बराबर याद कीजिए, कॉस स्क्वायर a लिखते थे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बाई 2, माइनस साइन स्क्वायर a लिखते थे तो यहाँ a बाई 2, यहाँ एंगल 2a था तो हाफ करेंगे तो ये भी सब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्लियर। और इसी का फॉर्मूला क्या क्या पढ़े थे हम लोग, 2 cos² a बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 sin² a बाई 2 पढ़े थे ना बाबू, सिर्फ एंगल क्या हो गया, हाफ। क्यों हाफ हो गया, क्योंकि ये लेसन ही हाफ है, लेसन हाफ नहीं, लेसन का नाम, ठीक है, क्लियर है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब इससे फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं हम, यहाँ कॉस ए बराबर 2 cos² a बाई 2 माइनस 1 हुआ ना, हाँ या नहीं, चलिए अब नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसके बाद यहाँ समझते हैं। चूंकि कॉस ए बराबर 2 cos² a बाई 2 माइनस 1 है ना, तो ये इधर चला आएगा 1, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 cos² a बाई, क्लियर, ये 2 को इसके बटा में ले आइए, ये भी एक तरह का फॉर्मूला है, ये भी यूज होगा आपको सेकेंड ईयर में बहुत, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये 2 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बाई 2 बराबर cos² a बाई 2,
ठीक है, इधर ही और हम फॉर्मूला दूसरा भी लिखेंगे। तो इसलिए कॉस ए बाई टू बराबर क्या हो जाएगा बाबू, वन प्लस कॉस ए बाई टू स्क्वायर है तो इधर आ गया तो रूट, यही फॉर्मूला है। इसी पर आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला किताब में लिखा नहीं है कहीं, आर एस अग्रवाल में डायरेक्ट सिर्फ इसी को लिखता है, इससे एक्सप्रेस करने बोलता। क्लियर? ऑल्सो ए नंबर और बी नंबर दे देते हैं। कॉस ए बराबर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना बाबू, कॉस ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? कॉस ए बराबर टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन और वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, दोनों होता है। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला पे जो फोकस कर रहे हैं हम, तो ये इसी को इधर ले आते हैं तो टू साइन स्क्वायर ए बाई टू बराबर वन माइनस कॉस ए इधर गया तो माइनस कॉस ए हो जाएगा। क्लियर है? ये माइनस है इधर आ गया और कॉस ए उधर चला गया, एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। तो टू को उधर बटा में ले जाइए तो वन माइनस कॉस ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू बराबर क्या हो गया, रूट अंडर वन माइनस कॉस ए बाई टू। सी नंबर नोट, टेन ए बाई टू को कितना लिख सकते हैं बाबू, इतना में देखते हैं हम बनाने का कोशिश करेंगे। टेन ए को साइन ए बाई टू बटा कॉस ए बाई टू लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? ध्यान देना, बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे। साइन ए बाई टू कितना आया है, ये वाला आया? कॉस ए बाई टू कितना आया है, ये आया? दोनों को बटा करेंगे तो दो दो दोनों का कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा वन माइनस कॉस ए और नीचे वन प्लस। इस लेसन का फंडामेंटल फॉर्मूला है एक ये, दूसरा इसको बॉक्स में बंद कीजिए, इसको भी एक ये, और तीसरा एक ये। क्लियर? इस लेसन का यही तीन फॉर्मूला जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन बनने वाला है। क्लियर है? समझने में कोई दिक्कत? डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखे हैं कि आपको दिक्कत होगा, हमने एक्सप्रेस किया कि ये फॉर्मूला आया कैसे। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। नोट करके आपको एक जगह हम लिख देते हैं जो आज यूज का है, जो अभी तक पढ़े। पहला नंबर, साइन ए बराबर टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। क्लियर? दूसरा नंबर, साइन ए बाई टू, जब साइन रहेगा तो ये माइनस में रहेगा। क्लियर? याद रहेगा, कॉस ए बाई टू निकालना होगा तो ये प्लस में होगा। अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं तीन चार फॉर्मूला। टेन ए बाई टू रहेगा तो कोई टेंशन रटने का नहीं, टू से टू कट गया इतना बटा इतना, इसी फॉर्मूला को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा और समझा। क्लियर है इतना? किसी को कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं, समझ गए? चलिए तो ले लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। फॉर्मूला में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन सिर्फ बोल दीजिए, खड़ा होकर कोई भी, थोड़ा जल्दी। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, हाँ, इफ साइन एक्स बराबर फाइंड द वैल्यू, इफ साइन एक्स बराबर, इफ साइन एक्स बराबर रूट फाइव बाय थ्री, रूट फाइव बाय थ्री एंड पाई बाय टू, एंड पाई बाय टू, पाई बाय टू लेस देन एक्स लेस देन पाई, फाइंड, हाँ सर ठीक है, फाइंड द वैल्यू निकालना है। तो पहला नंबर निकालना है साइन ए बाई टू या x बाई टू, क्वेश्चन भी
दूसरा है कॉस एक्स बाई टू और तीसरा है टेन एक्स बाई टू। ठीक है, क्वेश्चन ये है और इसी को बनाना है हम लोगों को। और ये क्वेश्चन देखने से आपको लगेगा कि पहले हम बना चुके हैं। क्या दिया हुआ है? साइन एक्स। क्या दिया हुआ है? साइन एक्स। हम लोगों को क्या निकालना है? साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू। थोड़ा ध्यान देना, कोई क्वेश्चन में कॉस दे देगा तो क्या करेंगे? यहाँ ध्यान देना, साइन ए बाई टू बराबर क्या है? वन माइनस कॉस ए बाई टू। साइन का रहे, कॉस का रहे, टेन का रहे, क्या चाहिए? कॉस चाहिए। क्या चाहिए? cos। अगर क्वेश्चन में कॉस दे दिया तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, अगर साइन दिया तो उसको क्या में कन्वर्ट करेंगे? कॉस में। कौन सा लेसन के आधार पे? 15B। और इसके पहले भी चैप्टर पढ़े ABCD। ठीक है, B और D के आधार पे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। साइन एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन एक्स। साइन एक्स कितना दिया हुआ है? रूट फाइव बाई थ्री। साइन एक्स कितना दिया हुआ है? रूट फाइव बाई थ्री। ये पी बाई एच है। क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो बेस निकालेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब थ्री का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर। नाइन माइनस फाइव गया तो फोर। यहाँ प्लस माइनस टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस माइनस टू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? एक्स इज इन 90 मीन्स 90 to 180। कौन क्वाड्रेंट है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट। खूब अच्छा याद है, क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव। ये सब नाइन्थ क्लास में पढ़े हो ना? ठीक है, तीसरी बार इसको ट्रिगोनोमेट्री में अलेवेंथ में बना रहे हैं। तो साइन एक्स कितना? साइन एक्स दिया हुआ है, कॉसेक्स निकालना है। तो कॉसेक्स ऑब्वियसली क्या होगा? नेगेटिव में होगा, होगा ना? यहाँ पे लिख दें, सो ओनली साइन और कॉसेक भी पॉजिटिव, यही ना? तो कॉस क्या होगा? माइनस में, इसलिए हम लोगों को ये दोनों प्लस में है। तो ऑब्वियसली बी जो है सो हम लोगों को क्या में लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा ना? हाँ या नहीं? ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो बी कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू? बी बाई एच। बी कितना है? माइनस टू बाई। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अभी अभी हम लोगों ने ये ड्राइव किया, साइन ए बराबर इतना, तो साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू बराबर कितना होगा? क्लियर है? ठीक है, तो इसी फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, आप कोई भी राइटर से बना सकते हैं। फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन आप थोड़ा सा सही से लिखाना था। फाइंड द वैल्यू इफ आई एफ था ना, इफ साइन एक्स बराबर रूट फाइव बाई थ्री एंड एक्स लाइज बिटवीन 90 to x। ये क्वेश्चन है, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है? साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। तो साइन एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले? कॉस एक्स। कॉस एक्स क्यों निकाले? तीसरी बार बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला होता है? साइन एक्स बाई टू में क्या याद करने बोले? रूट अंडर, ये माइनस में होगा। कैसे याद रखोगे? ये सेम कास्ट का नहीं है कॉस साइन, ठीक है, इसलिए नेगेटिव। कॉस यहां रहेगा तो ये सेम कास्ट हो जाता है, तो प्लस में। कास्ट मतलब ट्रिक, समझिए। ठीक है, यहां कोई जाति उति का कोई मैटर नहीं है। तो कॉस कितना आया है आपका? तो माइनस माइनस बटा एलसीएम ले ले, 3 + 2 और इसका वाला ये 3 और ये नीचे वाला 2। कोई दिक्कत नहीं ना है? कि है?
एकदम इजी है, होना भी नहीं चाहिए। तो कितना लिख दे बाबू, 3 × 5/6, ठीक है, इतना ही में आंसर हो गया। लेकिन बुक के अनुसार अगर आंसर लाना है तो रेशनलाइजिंग करने बोलता है। रूट कितना है, 5/6, तो इसको कह रहा है, थोड़ा ध्यान देना, 6 से ऊपर नीचे क्या कर दें हम, गुना भागा, तो 6×5 कितना हो जाएगा, और 36 का मूल कितना हो गया, 6। यही तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत समझने में, प्योर 9th क्लास जैसा, सिर्फ यहाँ जो अभी अभी हम एक्सप्रेस कर रहे थे फॉर्मूला को, डिराइव किए, प्रूव किए, ये इतना कैसे होगा उसको लगा के बना देना है, ठीक है। अभी एक निकला है, दूसरा नंबर cos x/2, क्या कौन बता सकता है इसका आंसर, फॉर्मूला कितना होगा cos x/2? अभी अभी ध्यान दिलाए, बोलो बाबू, 1 + cos x/2, वेरी गुड, बैठ जाओ, ठीक है, वेरी गुड, मतलब वेरी गुड, ध्यान रखने के लिए, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, ठीक है, अभी अभी हम बताए आपको कि कॉस होगा तो सेम कास्ट, यही बात कर रहे थे ना, मतलब प्लस में, तो कॉस का मान कितना था, -2/3, क्लियर, तो 3 − 2/3 और बटा 2, 3 में 2 गया, कितना बचेगा बाबू, 3 × 6, क्या करें, तो √6 हो जाएगा, 36 का कितना हो गया, यही आंसर हो गया, क्लियर। अब tan x/2 तुम पे डिपेंड करता है, साइन बाई कॉस कर दो निकल जाएगा, घर पे तुम शॉर्ट में ही बनाना, लेकिन हम आपको बता देते हैं tan कैसे निकालेंगे। ऐसे tan x/2 का फॉर्मूला हो गया √1 − cos x/1 + cos x, क्लियर है, ठीक है। हम इधर चले आते हैं, और एक्स का मान, कॉस एक्स का मान कितना पुट करना है हम लोगों को, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 2/3, 1 − कॉस एक्स कितना निकाले हैं, दिखा दे रहे हैं, -2/3 ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2/3, यहाँ भी 3 का एलसीएम, बड़ा लाइन, यहाँ भी 3 का एलसीएम, 3 + 2, यहाँ 3 − 2, ये आपका 3 से 3 कट गया ना, कितना बच गया बाबू, 5/1 √5, कोई दिक्कत है, एक्सरसाइज पूरा बनेगा, बिल्कुल, इस तरह का क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज में होंगे आपसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर दिखाओ, थोड़ा बुक दिखाओ, क्वेश्चन नंबर, कोई भी राइटर, 4-5 क्वेश्चन आपको इसी पे बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 6 ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, 6, और बाकी 3-4 क्वेश्चन बचेगा, कल देख लेंगे खत्म। चलिए यहां ध्यान दीजिए, लीजिए थोड़ा खड़े होकर कोई भी क्वेश्चन बोल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, 1 बताए थे, 2, 3, 4 होमवर्क, क्लियर ना, 6 क्वेश्चन बोलिए, प्रूव दैट cot x/2 माइनस tan x/2 बराबर 2 cot x, बस, yes, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इधर बहुत इजी है, प्रूव करने के लिए क्या लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है, प्रूव करने के लिए LHS या RHS लेना होता है, हमेशा प्रूव करने के लिए LHS बोल देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब LHS और RHS का क्या लोचा है, आप क्यों टोक दिए, क्यों रोक दिए, LHS लिख के बना लेते, तो मैथ में हमेशा, ट्रिगोनोमेट्री में खास करके याद रखिएगा, बड़े पोर्शन से छोटा पोर्शन लाना आसान होता है, बड़ा पोर्शन से छोटा पोर्शन लाना आसान होता है। अभी कोई कह देगा सर इससे इसको ला दीजिए, तो वो जबरदस्ती है, सिस्टम पूछने का बनाने का सब गलत होगा, नहीं समझे, हम इसको इसको लिख दे और इसको ढक दे, या आप हमको बताइए मत कीजिए कि इतना कितना हुआ, इसको तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में, गोपाल कुमार वर्मा बोल रहा है, किसी भी कंडीशन में हम इसको ढक दे और इसको तोड़ेंगे तो ये कभी नहीं आएगा, क्या बोले, फिर से समझिए,
कोई भी कंडीशन में LHS ले लिए और इसको ढक दिए, ये आप हमको बताइए मत कीजिए, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा, लेकिन इधर से उतना आना संभव नहीं है। हम ओपन खुला यूट्यूब में बोल रहे हैं, ठीक है, और स्पष्ट बोल रहे हैं, जो बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है। कंप्लीट चैलेंज मतलब चैलेंज, क्लियर है ना। तो मैथ्स में हमेशा बड़ा पोर्शन से छोटा पोर्शन, LHS RHS का मतलब आप समझ गए होंगे। LHS में कितना है, बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। कॉट को क्या तोड़ेंगे, कॉस बाई, मजा आएगा, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बस, ठीक है। अभी अभी आप तुरंत लेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, हो सकता है आपको ध्यान में ना हो, और अगर है तो अभी हम तुरंत देख लेंगे, यूज कर लेंगे उसका। इसको इससे गुना करेंगे ना, एरो दे दे ऐसे समझने के लिए, तो क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। थोड़ा कोई बता दो अभी अभी तुरंत बताइए, किसका फॉर्मूला है, किसका है, कॉस एक्स का, किसका, बोले अभी अभी तुरंत आप पढ़े हैं, ठीक है, ऐसे आपको याद रहना चाहिए, अभी पढ़े हैं सो कहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, और अभी अभी नहीं भी पढ़ते तो कॉस टू ए बराबर ऐसा होता है, अब ए बाई टू है तो यहाँ क्या होगा, कॉस ए है ना, फिर साइन ए का क्या पढ़े हैं, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। अब थोड़ा ध्यान देना स्क्रीन पे, इतना बराबर कॉस एक्स, क्लियर है ना, इतना पूरा बराबर कॉस एक्स, फर्स्ट स्क्रीन में वही लिखा हुआ है, यहां कितना है साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। हम जानबूझकर थोड़ा बड़ा कर रहे हैं इसको समझाने के दृष्टिकोण से, LHS बराबर यहां ऊपर कितना है कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, किसी का फॉर्मूला नहीं है, किसी का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला को लाना पड़ेगा। यहाँ 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू होगा, क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना भागा, है ना। अब जो है सो क्या आ गया, 2 कॉस एक्स, और नीचे किसका फॉर्मूला हो गया, साइन एक्स का। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जितना आज फॉर्मूला को हम लोग यूज किए सारे को क्या कर दिए, जितना को प्रूव किए सारे को यूज कर रहे, टोटल फॉर्मूला जो आज लिखे हैं, फाइनल, कोई दिक्कत, आज का छोटा एक्सरसाइज है आपका 15E आरएस अग्रवाल से, और जिसमें दो क्वेश्चन हम बता दिए, एक क्वेश्चन टफ है बुक में, शायद आपसे नहीं भी बने चलेगा, लेकिन कम से कम वन बता दिए तो 2, 3, 4 बनेगा, ठीक है। 5 इसके बाद 6 बताए, कौन से बताए, 6 से आपको 7 बनेगा, और लास्ट का एक क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा, ठीक है, 8 नहीं बनेगा आपसे, कौन सा, 8 नहीं बनेगा। अगर आप बनाएंगे तो बना के मेरे कमेंट सेक्शन में कर लिख दीजिएगा, सर मैंने 8 बना लिया, हम भी समझ जाएंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज बनाने के पहले फॉर्मूला को पहले कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे, उसके बाद कौन सा लेसन था, हाफ एंगल का, हाफ एंगल के लिए कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, साइन 2x याद है तो सब एंगल को हाफ कर देना है,